अभियान बंद कर दिया। अच्छा नहीं, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो कौमी शहरियत तरमीमी बिल लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ है, वो जो है आईन और हिंदुस्तान के दस्तूर के ख़िलाफ़ है। और फिर ये लोगों जो ने मज़हब की बुनियाद पे ये जो है बिल पास किया है, ये शहरियत बिल को जो है ना पास किया है मज़हब की बुनियाद पर। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, वो दस्तूर जो बाबा अंबेडकर ने साहब ने बनाया है, वो दस्तूर के अंदर मज़हब के नाम पे जो है इस तरह से अलग करने का जो है ना कहीं भी जो है ना कुछ नहीं लिखा गया। ये मुल्क सेकुलर है, ये मुल्क जमहूरियत है। इस मुल्क के अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, सिख हो, जो भी है, ये सब मसावान, सबको हक है, पूरा रहने का हक है। ये जो पार्टी आरएसएस और बीजेपी की पार्टी है, इनको जो है मज़हब से, इन तमाम से मुसलमानों को हटाकर जो है ना हिंदुस्तान में ऐसे कानून बनाना चाहते हैं कि मुसलमान इस मुल्क में ना रहे और मुसलमान का जो है ना वजूद इस मुल्क के अंदर ना रहे। और बार बार इन्होंने ऐलान भी किया आसाम में और बंगाल में, अमित शाह साहब ने एक बात कही कि पहले हम कौमी शहरियत बिल तरमीमी बिल लाएंगे, उसके बाद एनआरसी लाएंगे। अब ये कहते हैं कि मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये खुल के कहें कि एनआरसी नहीं ला रहे हैं। ये खुद कहा है कि एनआरसी पूरा हम 24 तक लाएंगे, हर हिंदुस्तान से हर गैर जो मुल्की है, जो घुसपैठी है, उनको निकालेंगे। वो कौन लोग हैं तो बताएं पहले। और घुसपैठी को निकालने के लिए आपने कानून बना रहे हैं, एनआरसी बना रहे हैं। मैं वहाँ यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अगर इस मुल्क के अंदर एनआरसी लाएंगे, मेरे घर के बाजू हिंदू भाई का घर है, अब जो एनआरसी वाला आएगा तो हिंदू भाई के पास नहीं जाएगा, इसलिए कि उसको शहरियत मिल चुकी है, हिंदुस्तानी शहरियत मिल चुकी है, वो तो मेरे पास आएगा ना, मेरे पास पूछेगा। तो ये मज़हब की बुनियाद हुई नहीं हुई है? मज़हब के बुनियाद पे खेल नहीं हो रहा है? अरे उनको तो शहरियत मिल दे दी आपने, और फिर हमारे को जो है कहेंगे कि आप कागजात बताओ, कहाँ से ला के बताएंगे कागजात? मेहनत मजदूरी करने वाले, देहातों में रहने वाले, मंडलों में रहने वाले, उन लोगों के पास है क्या कागजात? और जो सालों से यहाँ रहे, जिनके बाप दादा यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे, और उनसे कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमसे कागजात पूछा जा रहा, ये क्या बात हुई? ये सारे धीरे ये मतलब ये है कि इस मुल्क से मुसलमानों को निकाला जाए, मुसलमानों को जो है उनकी जो हैसियत बराबरी की हैसियत है उसको ख़त्म किया जाए। ये इनका इनके जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए जमीतुलमा हिंद ने, इससे पहले भी हमने काफ़ी जुलूस निकाले थे, और यहाँ तक कि हमने दिल्ली के अंदर 40,000 उलमा ने गिरफ्तारी दिए थे वाजपेयी के ज़माने में। वाजपेयी के ज़माने में 40,000 से ज़्यादा जो है उलमा जो है हिंदुस्तान से, खुद हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश को, खुद आंध्र प्रदेश थी, 250-300 आदमी यहाँ से गए थे, हमने जो जेलों में गुजारे, मैं भी जेल में था। तो इस तरह ये बात नहीं है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब इब्तदाई तौर पे जमीतुलमा हिंद ने ये चीज़ जो है ना हमको जो है ना हुक्म दिया है कि जो 13 तारीख को जुमे के दिन बाद नमाज के जो है ना मस्जिदों के सामने या आगे कहीं भी जो है एक जो है ना एहतजाजी प्रोग्राम करें, खामोशी के साथ, कोई जो है ना आवाज़ नहीं करें, बल्कि जो है ना अपने अपने हाथ में जो है प्ले कार्ड लेके खड़े हों और उसमें लिखा हुआ है जो जो चीज़ लिखा हुआ है कि हम इस जो है ना कानून को नहीं मानते, कानून हिंदुस्तान को तोड़ने वाला है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है, इस तरह जो है ना प्ले कार्ड हम लेके खड़ेंगे और अपने हाथों में जो है ना सियाह पट्टी बांधेंगे, सियाह जो है ना हाथों में पट्टी बांधेंगे और ये एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज पूरे आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, रायलसीमा में होगा। और अब तक जो मेरे को इतला मिली है, 735 जो है ना जगहों से फ़ोन आया है, हम करेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना मगरिब इशा कल तक सुबह तक 1,500-2,000 के करीब हो जाएंगे जो एहतजाज करेंगे पूरे आंध्र, रायलसीमा, तेलंगाना के अंदर।
और कोई जुलूस की शक्ल नहीं रहेगा, ये एहतजाज करेंगे, पहली दफ़ा हम एहतजाज करेंगे, हम इस बार इस कानून को मानेंगे नहीं, वापस लीजिए अब कानून को, ये हमारा मुतालिबा रहेगा। और हम ये चाहेंगे कि जो हुकूमत को दर्ज कराएंगे, ये सिर्फ आंध्रा तेलंगाना रायलसीमा में नहीं है, एक ही वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर, एक ही वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर, सारे हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी जो है ना, ये जो जो बैनर खड़े होंगे और हम एहतजाज करेंगे। ये एक जो ना आवाज़ है जमीयत उलमा हिंद की, क्योंकि इससे पहले भी लोग दे चुके हैं। अमन रियाली जब निकाला गया तो लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के अंदर खुद परेशान थी हुकूमत कि इस तरह निकले थे हमारे। तो ये चीज़ें हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई पीसफुल है हमारा, कोई जो है ना एहतजाज नहीं रहेगा। हम ये कहेंगे कि कानून को हम नहीं मानते, कानून को ये बदलो तुम या कानून को वापस लो, यही चीज़ हमारा मुतालिबा है। ये शुरुआत है हमारी जमीयत उलमा की, ये क्योंकि मैं आंध्रा रायलसीमा तेलंगाना का जिम्मेदार हूँ, इसलिए अब तक हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, बल्कि ऐसे ऐसे रिपोर्टें आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि और जमातें भी शरीक हो रहे हैं, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम अहबाब लोग भी शरीक हो रहे हैं इसके अंदर आके। तो अच्छे है, तो हम तो चाहते हैं कि भाई आएँ और आवाज़ उठाएँ, आवाज़ उठा के कहें कि कानून जो ना सियाह कानून है, ये कानून सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर बनाया गया, मुसलमानों को अलग करने के लिए बनाया गया, मुसलमानों को जो है ना हिंदुस्तान के जो है ना हिंदुस्तान से अलग करने के लिए बनाया जा रहा, लेकिन मुसलमान इसको कबूल नहीं करेगा। ना मुसलमान इस मुल्क को छोड़ के जाने वाला, ना मुसलमान इसी मुल्क में रहेगा, इसी मुल्क में उन्हें मरेगा, और जो ना मुसलमान कभी जाने वाला नहीं।